नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, बुक को लेकर जो पैनेशिया हमारी बुक है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक फॉर टीजीटी इंग्लिश, ये एक लिटरेचर की बुक है। इस बुक को लेकर मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो काफी कॉमन हैं, तो मैं सभी कॉल्स का आंसर ना देकर एक वीडियो आप लोगों के लिए यहाँ पर बना रहा हूँ। सबसे पहले कि इस बुक को खरीदे कैसे, देखिए अमेजोन के साथ हम लोग अभी नहीं आए हैं क्योंकि मेरे पास अभी जीएसटी नंबर नहीं है। जैसे ही जीएसटी नंबर आ जाएगा, ये बुक आप लोगों को अमेजोन पर भी मिलने लगेगी। तो अभी हम लोगों की ये बुक कहाँ पर मिल रही है, फ्लिपकार्ट पर मिल रही है। आप लोग फ्लिपकार्ट से इस बुक को खरीद सकते हैं। जिन लोगों को ये बुक सर्च नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग, उन लोगों को मैं बता देता हूँ, इस बुक का लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां पर क्लिक करके इस बुक को खरीद सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को आसानी से ये बुक मिल जाएगी। यदि आप सीधे फ्लिपकार्ट पर जाकर भी इसे सर्च करेंगे तो आप इसे आसानी से पा सकते हैं। तो आप कैसे सर्च करेंगे, पैनिशिया लिखना है आप लोगों को, ये बुक का नाम लिखना है यूपी टीजीटी, आप ऐसे लिख देंगे यूपी टीजीटी, तो आप लोगों के सामने ये बुक आ जाएगी। स्पेलिंग का ध्यान रखना, यदि आप पैनिशिया की स्पेलिंग गलत करते हैं तो शायद ये बुक आप लोगों को ना मिल पाए। पैनिशिया यूपी टीजीटी लिखिए, ये बुक आप लोगों को मिल जाएगी। राइट, इसके अलावा आप लोग कैसे इस बुक को मुझसे मंगवा सकते हैं, देखिए एक नंबर है जो है 9368000671, ये आपका नंबर है, आप इसे डायल करके इस बुक को मुझसे मंगवा सकते हैं। एक बार फिर से आप लोग नोट कर लीजिएगा, 9368000671 ये आपका कॉन्टेक्ट नंबर है, जिससे कॉल करके आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्पेशली उन लोगों के लिए मैंने नंबर दिया है जो लोग गांव में रहते हैं, जहां पर फ्लिपकार्ट की या फिर अमेजोन की डिलीवरी नहीं हो पाती है, उन लोगों के लिए ये मैंने नंबर दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे कहने के बावजूद भी ये बुक जो है आप लोगों को फ्लिपकार्ट वगैरह पर नहीं मिल रही है, तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये बुक कैसे आप लोगों को सर्च करनी है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आप लोगों को पहले सबसे फ्लिपकार्ट खोलना है। फ्लिपकार्ट आप लोग खोलेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना है पैनिशिया यूपी टीजीटी। जैसे ही आप लिखेंगे, देखिए ये बुक आप लोगों के सामने निकल के आ गई है। राइट, अगर आप लोग इस तरह से सर्च नहीं करना चाहते हैं तो पैनिशिया बाय समीर पाठशाला भी लिखेंगे तो भी ये बुक आपकी निकल के आ जाएगी। पैनिशिया बाय पवन सर लिखेंगे तो भी ये बुक निकल के आ जाएगी। पैनिशिया बाय समीर सर लिखेंगे तो भी यही बुक निकल के आएगी। तो आप लोगों को सर्च करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, आप लिख सकते हैं पैनिशिया बाय समीर सर। ठीक है, तो आप ये बुक का नाम लिखेंगे, पैनेशिया बाय समीर सर करेंगे, तब भी ये बुक निकल के आ जाएगी। आई होप यहां तक आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई है। अब इस बुक को फाइंड करने में आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। और जो लोग गांव में रहते हैं, जिन लोगों तक फ्लिपकार्ट या अमेजोन डिलीवर नहीं कर पाएगा, 9368000671 नंबर है, आप लोग इस पर कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोग आप लोगों के एड्रेस पे इसे स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। ये रही बुक की इंफॉर्मेशन। देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये पैनिशिया एक कॉम्प्रीहेंसिव बुक फॉर यूपी टीजीटी इंग्लिश एस्पिरेंट जो बुक है आप लोगों के लिए किसको बेनिफिशियल रहेगी। पहली बात, यहाँ पर मेंशन है यूपी टीजीटी वाले बच्चों के लिए है ये बुक, पहली बात तो ये है सबसे। ठीक है, आप लोगों को कंटेंट जो मिलेगा इसमें वो मिलेगा कौन सा, सिर्फ लिटरेचर का मिलेगा, इसमें ग्रामर कंटेंट में नहीं है। आप लोग ये बात याद रखना, ये लिटरेचर की बुक है, बाद में इस क्वेश्चन को मत करना कि इसमें ग्रामर नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज बता रहा हूँ कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें ग्रामर का कंटेंट नहीं है। राइट, और बाइलिंगुअल की जहां तक बात करते हैं, देखिए मैंने मैक्सिमम चीज इसमें बाइलिंगुअल करने की कोशिश की है ना। अगर आप ये कहें, जैसे कि कुछ लोगों का क्वेश्चन आज ये आया था, सर जब इसमें एमसीक्यू जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें बाइलिंगुअल नहीं है तो ये बाइलिंगुअल कैसी बुक है, तो भाई लोगों मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, तो ये बाइलिंगुअल बुक नहीं है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के बाइलिंगुअल नहीं है। जो चीज मुझे लगी कि बच्चों को मुझे ये समझाना चाहिए बाइलिंगुअल तरीके से, मैंने उसको समझाया है। जैसे शेक्सपियर के काफी सारे प्ले, 22 प्ले के आसपास मैंने बाइलिंगुअल दिए हैं। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ की 30 पोएम्स को मैंने बाइलिंगुअल दिया है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाइलिंगुअल आप लोगों को मिलेंगी, लेकिन एमसीक्यूज लाइन बाई लाइन मिल जाए आप लोगों को, एक्सप्लेन की हुई हिंदी में,
फिर क्या फायदा आप लोगों का इंग्लिश से एग्जाम देने का, ठीक है। तो ये आप लोगों को इंग्लिश में ही बुक मिलेगी, लेकिन बहुत सारी चीजें आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलेंगी, मतलब हिंदी में भी मिलेंगी। जैसे कि विलियम शेक्सपियर के प्ले हैं 22 प्ले, आप लोगों को बाइलिंगुअल मिलेंगे। इसके अलावा जो बाकी प्ले हैं वो हिंदी में इंग्लिश में दोनों में तो है ही, लेकिन जो प्ले 22 के बाद बच जाते हैं वो आप लोगों को इंग्लिश में मिलेंगे। जॉन गार्ल्सवर्थी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये चीजें आप लोगों को मिलेंगी। इसके अलावा इस बुक में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स, फिगर ऑफ स्पीच, इटालियन एंड रोमन गोड्स, ऑल द इम्पोर्टेंट प्राइजेस, फादर एंड फाउंडर, ये सारी चीजें इस बुक के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये बुक जो है आप लोगों की सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर की बुक है, ग्रामर का कंटेंट इसमें नहीं है। ये हिंदी और इंग्लिश में बनाई गई एक बुक है जो बड़ी ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों को चीजें समझाने में काम आएगी, राइट। बढ़ते हैं आगे, देखिए यहाँ पर ये बुक आप लोगों के सामने है। अब आप लोगों को क्या मिलेगा इस बुक के अंदर, ये है आप लोगों की इंडेक्स इस बुक की। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी और वर्क्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे इसके देखने के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए मैंने 1500 से 2000 एमसीक्यूज के आसपास डाले हैं जो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। और हाँ, सबसे खास बात, इस बुक के लास्ट में मैंने आप लोगों के लिए एक ओएमआर सीट, जिस तरह की 125 क्वेश्चन में आती है, वो चीज भी इसमें ऐड कर दी है। आप लोगों को कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस उसको फोटोकॉपी करा लें और उसके हिसाब से अपनी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, इसके एमसीक्यूज, और जॉन मिल्टन की बायोग्राफी, इनके वर्क्स देखने के लिए मिलेंगे, जॉन मिल्टन के एमसीक्यूज, जॉन गर्ल्सवर्दी की बायोग्राफी और इनके वर्क्स देखने के लिए मिलेंगे, और इसके बाद इस प्रैक्टिस के लिए इनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेंगे। देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात हम करते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की काफी अच्छा कंटेंट मैंने ढूंढ ढूंढ के निकाल कर आप लोगों के लिए एक जगह पर ला दिया है, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अब आपको ज्यादा जगह से नहीं पढ़ना पड़ेगा, काफी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी इजी लैंग्वेज में वो चीज डाली गई है। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के जो एमसीक्यूज हैं वो भी डाले गए हैं, फिगर ऑफ स्पीच डाले गए हैं, और फिगर ऑफ स्पीच के एमसीक्यूज इस बुक के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये थी इस बुक के बारे में सारी की सारी जानकारी। इसके अलावा एक लिस्ट और आप लोगों के सामने है, इस लिस्ट के अंदर आप लोगों को जैसे कि लिटरेरी टर्म्स, इनके एमसीक्यूज, नोबेल प्राइजेस, ऑर्डर ऑफ मेरिट, पेन नेम्स, ठीक है, पोएट लाउरियट के नाम देखने के लिए मिलेंगे, पुलिट्जर प्राइज देखने के लिए मिलेगा, साहित्य अकेडमी अवार्ड, गोड्स एंड गोड्स ऑफ रोम एंड ग्रीक मिलेंगे, टर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड ऑथर हु कॉइन्ड देम। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर मैंने दो वीडियोस भी बनाए हुए हैं, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। फादर एंड फाउंडर जो इंग्लिश लिटरेचर में है वो सारे के सारी चीज देखने के लिए मिलेंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ये बुक आप लोगों की फ्लिपकार्ट पे मिलेगी, अभी एमेजोन पर अवेलेबल नहीं है, कुछ टाइम बाद आएगी, लेकिन पता नहीं कितना टाइम लग जाए। अभी आप इसे फ्लिपकार्ट से ही खरीद सकते हैं। जो लोग फ्लिपकार्ट से नहीं खरीद सकते, उनके गांव में डिलीवरी नहीं होती है, वो लोग मुझे 9 9 3 6 8 ट्रिपल 0 6 7 1 पर कॉल करके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, राइट। आई होप ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।